जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो रितेश की तरह जिनका एक दो नंबर की वजह से कॉलेज नहीं मिल पाया था। तो अभी बच्चों देखो, ये 18/4/2022 की नोटिस है एमसीसी की वेबसाइट पे। रात बहुत हो गई थी लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे उदास थे, उनको कॉलेज मिल सकता है, इसलिए मैं ये वीडियो इतनी रात में बना रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इसमें ये नोटिस हो गई, इसके बाद देखिए शेड्यूल। शेड्यूल बच्चों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पेमेंट करना है 20 अप्रैल 2022 टू 21 अप्रैल 2022, पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 3 PM ऑन 21 अप्रैल 2022, मतलब 21 अप्रैल तक 3 बजे तक ये कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग 20 से 21, और ये आप इसको देख सकते हैं शेड्यूल। 22 अप्रैल को सीट का अलॉटमेंट होगा, रिजल्ट 23 तारीख को पब्लिश हो जाएगा और रिपोर्टिंग हो जाएगी 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये पूरा शेड्यूल और ये पूरा नोटिफिकेशन हम इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल पे न्यू लाइट के डाल देंगे, उसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारे साथ रितेश है जिनको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है, जिन्होंने स्कोर किया 596, ऐसे बहुत सारे हमारे बच्चे हैं। उदय ग्रुप जी सर, क्या बात। तो इसमें रितेश पहली बात बताओ कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं? नहीं सर, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। वेरी गुड। दूसरा, सिक्योरिटी बनी कितनी है? 50,000 सिक्योरिटी बनी है। सिक्योरिटी बनी 50,000 है, जिनको सीट मिल जाएगी उनकी रिफंड हो जाएगी। जी सर। और जो सीट मिलने के बाद नहीं ज्वाइन करेंगे उनकी फॉरफिट हो जाएगी। फॉरफिट हो जाएगी, ये इसलिए करेंगे लोग सीट ले लेते हैं फिर छोड़ जाते नहीं। तीसरी बात है, टोटल सीट कितनी है बच्चों? 323 सर। ओहो, 323 सीट ऑल ओवर इंडिया, क्या बात है। यूपी में भी है क्या? हाँ सर। क्या बात है। तो यूपी में केजीएमसी से लेके सारे कॉलेज में करीब लगभग सारे कॉलेजों में, सारे कॉलेज में टोटल कितनी सीट है बेटा? 23 सीट यूपी में है। वेरी गुड। अब ये बताइए रितेश जी कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो पहली बात तो बता दें कि जिनको अच्छे नंबर थे, खराब कॉलेज मिल गया, कॉलेज चले गए, वो अप्लाई करना चाहे तो नहीं कर सकते। जी सर, नहीं कर सकते। वो सारे बच्चे जिन्होंने कोई कॉलेज नहीं लिया है केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बताइए, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना है क्या? नहीं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, लेकिन फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है सर। और चॉइस फिलिंग में गलती मत करना भाई, पिछली बार जैसे किया था 2-3 कॉलेज भर दिए, सारे कॉलेज भरो और उसके बाद लॉक कर दीजिए। रितेश, और क्या क्या खास बात है इसमें बताओ? सर, खास बात यही है कि पांचवी बार ये नया एक तो अभी तक तो ऐसा नहीं था, ये हो रहा था कि सीटें क्या होंगी, लेकिन सीटों को उन्होंने फिर से किया है। मतलब काफी ट्रांसपेरेंसी है। यस सर। तो मुझे तो लगता है कि हमारे बहुत सारे बच्चों को कॉलेज मिलेगा। जी सर। और तुम्हें भी मिल जाएगा, तुम मिठाई खिला देना। जी सर। आज कितनी तारीख है? आज है सर 18 तारीख। क्या बात है। तो 23 तारीख को तुम्हारा रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। जी सर। और क्या पता है कि बहुत अच्छा कॉलेज केजीएमसी या कानपुर मिल जाए। जी सर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसे सारे बच्चों को अच्छी अच्छी खुशखबरी है कि जिनका एक दो नंबर से रुक गया था, बहुत रो रहे थे, तुम भी रो रहे थे ना? जी सर। तो हो सकता है उनको कॉलेज मिल जाए, तो हो सकता है आपको कॉलेज मिले। आप फटाफट इस नोटिस को देखिए, सारा डिटेल, वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए सारा डिटेल नहीं बता रहे, सारा का सारा डिटेल इस वीडियो के साथ न्यू लाइट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक हम लोग डाल देंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड न्यूज। और मुझे तकलीफ होती है जब कोई बच्चा एक दो नंबर से रुकता है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कॉलेज मिल जाए। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। आप बिल्कुल फ्रेश मूड में ये चॉइस फिलिंग करिए, आपको रजिस्ट्रेशन कराना नहीं है और भगवान चाहेंगे तो आपको कॉलेज मिलेगा। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद जय भारत।